नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर में रही है सिंधु बॉर्डर से, जहां पर 35 संगठनों के 70 लोग रवाना हुए हैं। 35 प्रतिनिधियों के साथ 35 अतिरिक्त लोग भी रवाना किए गए हैं। बैठक में सिर्फ 35 प्रतिनिधि ही हिस्सा लेंगे, सभी 35 संगठनों से एक एक प्रतिनिधि हिस्सा लेगा। केंद्र सरकार से बैठक के बाद अपनी अलग अलग बैठक करेंगे किसान। साथ ही किसानों ने कहा कि हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया है हम आज पहले उनकी बात सुनेंगे। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पहले वे सरकार की बात सुनेंगे, हालांकि सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। सिंधु बॉर्डर से 35 संगठनों के 70 लोग रवाना हुए हैं। 35 प्रतिनिधियों के साथ 35 अतिरिक्त लोग भी रवाना किए गए हैं। किसानों के प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो अभी फिलहाल 2 बज रहे हैं और 3 बजे का समय बैठक का तय किया गया। 1 घंटे में विज्ञान भवन पहुंचेंगे प्रतिनिधिमंडल, जहां पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि वे पहले सरकार की बात सुनेंगे कि सरकार क्या कहना चाहती है, उसके बाद फैसला करेंगे। सिंधु बॉर्डर से इस वक्त 35 प्रतिनिधियों का दल रवाना किया गया, उनके साथ 35 अतिरिक्त लोग भी रवाना किए गए हैं। सिर्फ 35 लोग ही, 35 प्रतिनिधि जो किसानों के हैं, वही बैठक में शामिल होंगे। जो सरकार के साथ बातचीत होगी उस बैठक में 35 प्रतिनिधि किसानों के शामिल किए जाएंगे। 35 अन्य जो प्रतिनिधि है किसानों के, वो अतिरिक्त तौर पर वहां पर भेजे गए हैं, जो वहां पर मौजूद होंगे। तो इस वक्त सिंधु बॉर्डर से 35 संगठनों के 70 लोग रवाना हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है 70 किसान रवाना किए गए हैं, जो अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि हैं। 35 प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे सरकार के साथ बातचीत में। क्या कुछ बातचीत होती है इसकी जानकारी किसानों को दी जाएगी। इसके बाद किसान संगठन आपस में बैठ करके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि किसान संगठनों ने आज कहा है कि पहले सरकार की बात सुनेंगे।